और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की, हम बात करेंगे हजारीबाग से। बीजेपी के मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा ने मताधिकार का उपयोग नहीं किया है और इसे लेकर हजारीबाग में राजनीति गर्मा गई है। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, भले ही जिले में चुनाव समाप्त हो चुका है। जिले में जयंत सिन्हा के मतदान न करने का मुद्दा अभी भी ताजा है। जब मोदी जी के प्रोग्राम में नहीं आए, हमें ऐसा लग रहा था कि वो आएंगे, लेकिन नहीं आ आए। अब वो जाने क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे संज्ञान हुआ है कि वो प्रदेश संज्ञान लिया कि वो चुनाव में एक दिन भी उपस्थित नहीं रहे हैं और साथ ही साथ वो अपना मतदान करने के लिए भी हजारीबाग नहीं पहुँचे। तो प्रदेश उसको संज्ञान में लिया है और नोटिस दिया होगा। कारण बताओ कि आखिर क्या थी, क्या व्यवस्था थी कि आप नहीं यहाँ पर पहुँच पाए। जब मोदी जी के प्रोग्राम में नहीं आए, हमें ऐसा लग और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की, हम बात करेंगे हजारीबाग से। बीजेपी के मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा ने मताधिकार का उपयोग नहीं किया है और इसे लेकर हजारीबाग में राजनीति गर्मा गई है। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, भले ही जिले में चुनाव समाप्त हो चुका है। जिले में जयंत सिन्हा के मतदान न करने का मुद्दा अभी भी ताजा है। जब मोदी जी के प्रोग्राम में नहीं आए, हमें ऐसा लग रहा था कि वो आएंगे, लेकिन नहीं आ आए। अब वो जाने क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे संज्ञान हुआ है कि वो प्रदेश संज्ञान लिया कि वो चुनाव में एक दिन भी उपस्थित नहीं रहे हैं और साथ ही साथ वो अपना मतदान करने के लिए भी हजारीबाग नहीं पहुँचे। तो प्रदेश उसको संज्ञान में लिया है और नोटिस दिया होगा। कारण बताओ कि आखिर क्या थी, क्या व्यवस्था थी कि आप नहीं यहाँ पर पहुँच पाए। जब मोदी जी के प्रोग्राम में नहीं आए, हमें ऐसा लगा